श्रीलंका की राजधानी कोलंबो सहित करीब 8 जगह सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि 5 चर्च और 3 होटल के अंदर धमाके किए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बम धमाकों में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि एक धमाका कोलंबो पोर्ट के कोचिकड़े चर्च में हुआ है, वहीं दूसरा हमला पुत्तुलम के पास सेंटर सेब्रिस्टेशन चर्च के अंदर हुआ है। इसके साथ ही कोलंबो स्थित संग्रीला होटल और किंग्सबरी होटल में भी बम धमाकों की खबर है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर इस प्रकार है 9477903082, 9411242788, 9411242789, 9477902082, 9477223416। ये विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा है कि वे श्रीलंका में मौजूद भारतीय दूतावास के संपर्क में। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 लोगों के मरने और 250 से ज़्यादा के घायल होने की खबर है। श्रीलंका सरकार थोड़ी देर बाद इन धमाकों को लेकर आधिकारिक बयान जारी करेगी। पुलिस के मुताबिक अभी तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बाकी जगहों पर भी अलर्ट जारी कर दिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिस वक्त धमाका हुआ, जब चर्च में ईस्टर प्रार्थना सभा चल रही थी। श्रीलंकाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बट्टिकलोबा, नोगावो और कोलंबो के चर्च और होटल शांग्रीला समेत कई जगहों पर ब्लास्ट किए गए हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 250 से ज़्यादा घायल हुए हैं। हालांकि घायलों और मरने वालों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। ये बम धमाके ऐसे वक्त किए गए जब दुनिया में ईस्टर संडे का त्यौहार मनाया जा रहा है। धमाके में 5 चर्चों को निशाना बनाया गया है। कहा जा रहा है कि श्रीलंका के समय के मुताबिक ये ब्लास्ट 9:15 हुआ है। बता दें कि ईस्टर संडे गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद ईसा मसीह के फिर से जीवित हो जाने पर मनाया जाता है, जिसमें ईसाई लोग खुशी मनाने के लिए प्रभु भोज में भाग लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी बनाते हैं।